हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर और टू कलर बेबी स्वेटर डिजाइन। वैसे ये डिजाइन आप लेडीज स्वेटर जेंट्स स्वेटर में भी बना सकती हो। ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने 5x प्लास करके फंदा लिया। आपको जितना फंदा लेना है 5x प्लास करके फंदा लीजिए। और ये 4 रो का डिजाइन है, 4 रो में ये डिजाइन कम्प्लीट होता है। इसका देखिए, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। दोनों साइड में देखिए इसका सफाई कितनी अच्छी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डिजाइन कैसे बनी है। तो आप सबसे पहले बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद आप ये डिजाइन बनाइए। तो देखिए, मैंने इसमें 5x प्लास करके इसमें फंदा लिया। मैं आपको जितना फंदा लेना है 5x प्लास करके फंदा ले लीजिए। और प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए, तब ये डिजाइन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और देखिए, ये डिजाइन मैंने बनाने के लिए 2 सिलाई मैंने सीधा, 1 सिलाई सीधा की साइड से सीधा और उल्टा की साइड से उल्टा बनाया। तो मैं बॉर्डर नहीं बनाऊंगी, बस आपको डिजाइन ही बताऊंगी। तो चलिए, डिजाइन की पहली सिलाई है, ध्यान से देखिएगा। पहले सिलाई में ये जो पहला फंदा है स्टिच वाला है, इसको बिना बुनाई उतर लेना है। फ्रेंड्स, बुनाई उतर लिया, अब हमारे यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तो धागा को आगे किया, अब देखिए 2 फंदा उल्टा, 1 ये 2 फंदा मैंने उल्टा बिना। अब धागा पीछे की साइड लिया, अब देखिए ये जो 3 फंदा है, ये 3 फंदे में हमारा डिजाइन बनेगा। तो क्या करना, पहला फंदा छोड़ के ये जो बीच वाला है इस फंदे को हमें उठा लेना है। अब देखिए, इसको छोड़ दिया, पीछे से इसको दोबारा हम उठा लेंगे। अब इस फंदे को दोबारा इसी में ही देखिए ऐसे ही डाल लिया। अब ये जो 3 फंदा हमें दिख रहे हैं, ये 3 फंदा जो है इसमें सिलाई डालना है। 3 फंदे में सिलाई डाला, अब देखिए एक बार बिना, धागे को ऊपर से ऐसा घुमा के लिया, फिर और एक बार इसको बीन लिया। तो देखिए, ये 3 फंदा में से मेरे 3 ही फंदा बन गया, 1 2 3। अब ये 3 फंदे को स्लिप कर दिया। अब फिर से देखिए धागा आगे किया, अब 2 फंदा ये देखिए, इसी 5 फंदे को आपको रिपीट करना है, 1 2 3 4 5, 5 फंदा मेरा हो गया, 1 डिजाइन हो गया। अब इसी को मैं रिपीट करूंगी, तो देखिए फिर से 1 2 2 फंदा बिना, धागा पीछे। अब फिर से देखिए, पहला छोड़ के ये दूसरा फंदा जो है इसको पहले उठाएंगे, अब इसको स्लिप कर दिया, दोबारा इसको पीछे से आपको सिलाई डाल के इसको उठा लेना है। अब देखिए, ये जो फंदा है बीच वाला लाया, इसको ऐसे सीधा करके इसमें डाल दिया। अब ये जो 3 फंदा हमारा हो गया, 3 में से अब 3 फंदा ही बिनना है। तो देखिए, बीच में से आपको लेना है, 1 फंदा बिना, अब धागा ऊपर से घुमा के लिया, 2 फंदा हो गया, अब और 1 फंदा सीधा बिना। तो हमारे देखिए 3 फंदे में से 3 ही फंदा बन गया। अब इसको स्लिप कर दिया, तो 1 2 फंदा सीधा और 3 में से 3 बनाया, तो ये 5 फंदा हो गया। इसी को हम रिपीट करेंगे आगे भी, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। एक, ये 2 फंदा मैंने बिना, फिर से धागा पीछे। अब देखिए, बीच वाला पहला छोड़ा, बीच वाले को उठाया, अब ये फंदा जो है इसमें डाल लिया, अब इसको ऐसे ही सीधा बीन दिया। अब 3 फंदे में से हमें 3 ही फंदा बीनना है, 1 2 3, अब इसको स्लिप कर दिया, धागा आगे, 1 2, अब धागा पीछे, पहला छोड़ा, बीच वाले को उठाया, अब ये जो 3 फंदा है 3 में से 3 ही हमें बीन लेना है। अब लास्ट का 1 फंदा बचा हुआ है, इसको उल्टा बीना। तो देखिए, फर्स्ट रो हमारे कंप्लीट हो गया। अब रो 2 उल्टा साइड, अब ये पहला वाला फंदा
इसको स्टिच वाला बिना बुना लिया धागा आगे। अब देखिए एक में से जो तीन में से जो मैंने तीन फंदा बनाया, अब इसको क्या करना है, हमें इसको उल्टा बीन लेना है। एक दो तीन, धागा हमारा पीछे। आप देखिए ये दो फंदा मेरा सीधा है, इसको सीधा बीन लेना है। एक दो, दो फंदा सीधा, धागा आगे करना है। अब ये तीन में से तीन फंदा ही हमें बीनना है। ये जो तीन, एक में तीन फंदा बनाया, इसको तीन ही बीनना। एक दो ये तीन, अब फिर से धागा पीछे। ये दो फंदा मेरा सीधा है इस साइड से, और इस साइड से उल्टा है। तो देखिए ये दो फंदे को सीधा बीना, एक ये दो, धागा आगे। अब ये तीन फंदे में से तीन फंदा बनाया था, ये तीन फंदे को उल्टा बीनना है। एक दो तीन, धागा पीछे। एक दो, धागा आगे। एक दो तीन, धागा पीछे। एक दो तीन। अब देखिए ये हमारे रो टू कंप्लीट हो गया। अब रो थ्री सीधा साइड, सीधा साइड में क्या करना है, थ्री रो में पूरा सिलाई आपको स्टिच वाला बिना बुना ले लिया, और पूरा सिलाई आपको सीधा सीधा बीनना है। पूरा सिलाई आपको सीधा बीनना है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी फंदा आपको इधर उधर नहीं करना है। देखिए उल्टा फंदा को भी आपको सीधा बीन लेना है, सीधा फंदा को भी सीधा ही बीन लेना है। देखिए ये थ्री रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ रो उल्टा साइड, उल्टा साइड में हमें धागा चेंज करना है, क्योंकि मैंने टू कलर की डिजाइन बना रही हूँ, इसलिए थ्री रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब रो फोर्थ उल्टा साइड, पूरा सिलाई आपको उल्टा उल्टा बीनना है, लेकिन दूसरे कलर से। मैंने इसमें पिंक कलर लिया, देखिए अब पिंक कलर से बीनूंगी। अब फिर से फोर्थ सिलाई आपको पिंक कलर से बीनना है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही सिंपल है। और प्लीज फ्रेंड्स, मेरा और भी एक चैनल है, प्लीज उसमें जाके देखिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग जैसा इस चैनल को, मेरे को बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल आगे गया। तो प्लीज मेरा उस चैनल को भी कर दीजिए, उस चैनल का नाम है कुकिंग विद अकलीमा। और प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फोर्थ रो मेरा कंप्लीट हो गया। रो फाइव सीधा साइड, फिर से आपको वन से लेकर यही फोर रो को रिपीट करना है फ्रेंड्स। देखिए पहला फंदा मेरा स्टिच वाला, इसको बिना बुना ले लिया, धागा आगे। अब देखिए दो फंदा उल्टा, एक ये दो, दो फंदा उल्टा बिना, धागा पीछे। अब ये जो तीन फंदा में डिजाइन बनेगा, जो इसमें पहले फर्स्ट रो में बना था वैसे ही बीनना है। देखिए पहला छोड़ के दूसरा जो फंदा है इसको उठा लेना है। अब इसको उठाने के बाद देखिए ये जो फंदा है ये पीछे से इसी में डाल लिया दोबारा। अभी देखिए इसको इसमें डाल दिया। अब हमारे ये तीन फंदे में से तीन फंदा ही बीन लेना है। तो देखिएगा बहुत ही आसान है, यही फोर रो को आपको रिपीट करना है फ्रेंड्स। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं और एक सिलाई बना के दिखा रही हूँ। ये देखिएगा बस आप इसमें जितना कलर लगाना चाहे फोर फोर सिलाई में आप लगा सकती है। अगर आप चाहे तो एक कलर के भी बन जाएगा, अगर आपका मन है तो मैं दो कलर की बनाऊंगी तो दो कलर के भी बना सकती हो आप। ये देखिए ये बहुत ही आसान है और ये सच में बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, आप जरूर बना के देखिएगा। ये खास करके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा डिजाइन है टू कलर में। ये देखिए बस दो फंदा आपको उल्टा बीनना है,
फिर ये तीन फंदे में डिजाइन बनेगा, लेकिन आपका बीच वाला जो फंदा है उसको पहले उठाना है। और ये जो देखिए ये फंदा मेरा स्लिप हुआ, इसमें लिया, अब ये तीन फंदे को इस साइड लाया, ये देखिए, अब ये तीन फंदे में से तीन ही फंदा बीनना है, जैसे फर्स्ट रो में बनाया था वही सेम प्रोसेस है, उसी को आपको बार बार रिपीट करना है। फ्रेंड्स ये वो देखिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस वही फाइव रो को बार बार आपको रिपीट करना है। देखिए ये देखिए, अब लास्ट का फंदा है, इसको बीन दिया। देखिए पिंक से भी मेरा दो सिलाई हो गया। अब देखिए इसका उल्टा साइड, एक सिलाई मैंने बीन लिया। अब देखिए ये रो टू की तरह ही बीनना है, ये जो तीन फंदे में से तीन बनाया इसको उल्टा बीनना है, उल्टा साइड से। इस फंदे को मैंने उल्टा बीना, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा आगे, देखिए एक में तीन, जो तीन में तीन फंदा बनाया था उसको उल्टा बीना, दो फंदा मेरे सीधा है, ये तीन फंदा को उल्टा बीना, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा और ये लास्ट का फंदा, इसको भी बीन लिया। अब देखिए मेरा टू रो कंप्लीट हो गया। अब थ्री रो पूरा सिलाई आपको सीधा सीधा बीन लेना है, ये देखिए पूरा सिलाई आपको थ्री रो की तरह ही बीनना है, यानी ये सिक्स रो है डिजाइन की, जैसा आपने थ्री रो में बनाया था इसको भी वैसा ही सेम प्रोसेस है। फ्रेंड्स ये देखिए पूरा सिलाई आपको सीधा सीधा बीन लेना है। और प्लीज फ्रेंड डिजाइन अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अब ज्यादा से ज्यादा डिजाइन को शेयर कीजिएगा। और मेरे बताने का तरीका आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए थ्री रो मेरा इस लाइन से हो गया, अब फिर से आपको वही रिपीट करना है। फ्रेंड्स अब धागा इसमें चेंज हो जाएगा, फिर से देखिए पीछे की साइड है, ये फोर रो की तरह ही है, जैसे फोर रो में आपको धागा चेंज होता है हर बार, यही है थ्री रो पिंक से भी ना, अब इसको धागा चेंज हो गया। देखिए बस इसी फोर रो को आपको रिपीट करना है बार बार। तो मैंने आपको दो सिलाई बना के दिखा दिया, आशा करती हूँ डिजाइन आपको समझ में आ गया। और देखिए स्क्रीन पर और भी सुंदर सुंदर डिजाइन दिया हुआ है, उसमें जेंट्स स्वेटर का है, लेडीज स्वेटर का है, बेबी स्वेटर का है, अब उसमें के हर तरीका के उसमें डिजाइन आपको मिल जाएगा। अब प्लीज स्क्रीन पर एक बार चेक कीजिए, उसमें देख लीजिए, क्या पता आपका मनपसंद डिजाइन मिल जाए। देखिए मैंने ये फोर आठ सिलाई आपको बना के दिखा दिए, देखिए अब फिर से वही रिपीट करना है, पहला फंदा स्टिच वाला, दो फंदा उल्टा, अब ये तीन फंदे में डिजाइन बनेगा, बस इसी को आपको बार बार रिपीट करना है। तो देखिए ये मेरा दो डिजाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया, डिजाइन अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।